हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सल्फॉस पॉइजनिंग की। जी हाँ, एलमोनियम फॉसफाइड एक बहुत ही खतरनाक जहर, पर इसका इस्तेमाल काफ़ी समय से और पूर्व से होता आ रहा है। लोग इसका इस्तेमाल जो धान, गेहूं और जो फसल है उसको स्टोर करके रखते हैं, उसमें एक पुड़िया में सल्फॉस की 1-2 गोली एक कपड़े में बांध कर रख देते हैं, जिससे कि उसमें कीट मकोड़े नहीं लगें और जो चूहे वगैरह हैं वो भी इससे दूर रहते हैं। इस तरह से वो काफ़ी लंबे समय तक अपने उपज, अपने जो धान, गेहूँ वगैरह है, और उसको वो काफ़ी लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। सल्फॉस अपने आप में बहुत ही खतरनाक जहर है। इसका ज़्यादातर लोग सेवन करते हैं आत्महत्या करने के मकसद से, जो कि एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सामाजिक कुरीति है। लोगों को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। सल्फॉस कई फॉर्म में उपलब्ध है, ये पाउडर फॉर्म में उपलब्ध है, ये गोलियों के फॉर्म में ये उपलब्ध है। वैसे तो ये ज़्यादातर स्थिति में बाज़ार में नहीं मिलता है, लेकिन लोग जो हैं चोरी छुपे इसको किसी माध्यम से अनलाइसेंस दुकान से भी इसको प्राप्त कर लेते हैं और उसका सेवन वो आत्महत्या करने के मकसद से कर लेते हैं। ये बात मान के चलिए, अगर किसी ने फ्रेश सल्फॉस की गोली खाई है तो उसके बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर होता है। बचने की केवल एक ही उम्मीद है, आप समय रहते और सही समय से मरीज़ का इलाज करना शुरू कर दें। यदि अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जिसने कि पता चलता है कि सल्फॉस की गोली खा ली है, तो बगैर समय बर्बाद किए हुए मरीज़ को आप उल्टी कराने की कोशिश कीजिए। मरीज़ के मुँह में उंगली डाल करके या मरीज़ खुद अपने मुंह में उंगली डाल करके उल्टी कर सकता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी देखते देखते आधे घंटे के अंदर मरीज़ जो है वो शॉक में चला जाता है। फिर उसको बचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। घर में ही आप नमक पानी का घोल बना करके आप तत्काल मरीज़ को वो पिलाइए और मरीज़ को उल्टी इंड्यूस कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सल्फॉस की गोली बाहर निकल आए, क्योंकि वो पेट में जाते ही एलमोनियम फॉस्फाइड फॉस्फिन गैस ये बनाता है, जो कि बहुत जल्दी हमारे स्टमक वॉल से एब्जॉर्ब हो जाती है। एलमोनियम फॉस्फाइड या सल्फॉस पेट में जा करके पेट में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जो उसकी म्यूकस लेयर है उसको वो इंजरी पहुँचाता है। इंजरी पहुँचाने से जो सल्फॉस जो फॉस्फिन गैस जो रिलीज़ हो रही है, और ये जो एलमोनियम फॉस्फाइड है ये बहुत ही आराम से पेट के माध्यम से पूरे शरीर में के ब्लड में चला जाता है, और ये शरीर में जाके हर एक कोशिकाओं को हार्म पहुंचाता है। तो ये ज़रूरी है। ये जो नारियल का तेल जो पिक्चर में देख रहे हैं, नारियल के तेल की कम से कम 100 से 150 ml नारियल का तेल आप मरीज़ को पिला दीजिए, जो कि स्टमक के वॉल में जाकर के लेयर बना देगा, और फिर एब्जॉर्प्शन जो है इसका सल्फॉस का बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि मरीज़ के बचने के साथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके बाद आप मरीज़ अगर तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट कराएं। हॉस्पिटल में जाके बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ का गैस्ट्रिक लवाज या पेट की सफाई करें। पेट की सफाई करने के लिए ये पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइजिंग एजेंट है और फर्दर इंजरी नहीं होने देता है। पेट की सफाई खूब अच्छे से करें। कम से कम 3 से 4 लीटर नॉर्मल सलाइन मरीज़ के पेट में एनजी ट्यूब के द्वारा डाल करके उसको एस्पिरेट कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइज़न बाहर निकल जाएगा। जितना ज़्यादा ये पॉइज़न बाहर निकलेगा, उतना मरीज़ के बचने की क्षमता चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मरीज़ को शरीर में पानी की बिल्कुल भी आप कमी ना होने दें। मरीज़ के शरीर में एक बार अगर पानी की कमी हो जाती है तो फिर भी मरीज़ का रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कम से कम 2 लीटर कोई भी फ्लूइड, प्रेफरेबली रिंगर लैक्टेट, आप मरीज़ को IV फ्लूइड या IV नस के द्वारा आप मरीज़ को तत्काल दे दें, जिससे कि मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाए। इसका कोई एंटीडोट नहीं होता है, कोई इसकी दवा ऐसी नहीं है जो इसका काट है। इसके केवल इलाज वही है कि मरीज़ को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। हम मैग्नीसियम सल्फेट इंजेक्शन इसमें काफ़ी लाभदायक है। इसके साथ ही हम इंजेक्शन सोडा बाइकार्बोनेट हम मरीज़ को दे सकते हैं, जो एसिडोसिस को नहीं होने देगा। इसके साथ ही हम स्टेरॉयड प्राइमाकॉर्ड ये कम से कम 200 to 400 mg जो प्राइमाकॉर्ड देना चाहिए। इसके बाद है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी काफ़ी जाके शरीर में सल्फॉस पॉइजनिंग में हेल्प करता है। यदि समय से मरीज़ को ये सब ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो कुछ ही घंटों में देखते देखते बोलता चलता आया वह मरीज़ देखते देखते वेंटिलेटर पर चला जाता है, और अगर एक बार वेंटिलेटर पर मरीज़ चला गया तो उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। कुछ सेंटर में रीनल डायलिसिस के माध्यम से भी इसको रिमूव किया जा रहा है, पर ये हर सेंटर में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जहाँ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है और मरीज़ को अगर आपने लाने में देरी की है, तो मरीज़ के बचने के चांसेस केवल 1 से 2% है। 98% चांसेस में मरीज़ की मृत्यु होना निश्चित है। इसलिए अगर किसी ने सल्फॉस का सेवन किया है तो इसमें समय की बहुत ही ज़्यादा कीमत। आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट घर में मत कीजिए, किसी भी गलत जगह मत लेकर जाइए, अच्छे सेंटर में लेकर के जाइए, वहाँ मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर तत्काल मरीज़ को इलाज, मृत्यु उन्हीं की होती है जहाँ पर मरीज़ एक बार शौक में चला जाता है। जाता है, मरीज को लाने में देरी होती है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल ये वीडियो पसंद आया होगा। एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है क्योंकि मेरा मानना है कि हंसी ही अपने आप में बहुत बड़ी दवा है। तो एक स्टैंड अप कॉमेडी बाय डॉक्टर राजीव के नाम से यूट्यूब पर चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे आपने मेरे इस चैनल को प्यार दिया है, वैसे मेरे आप मेरे ये चैनल को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।